करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त जो आपको बता दें, भोपाल से जहां जमात ए मुजाहिदीन के चार आतंकियों की आज पेशी है, बांग्लादेशी आतंकियों की आज रिमांड खत्म होगी। एटीएस इन्हें पेश करेगी, आतंकियों की फिर से रिमांड मांग सकती है एटीएस। 14 दिन के रिमांड पर ये चारों आतंकी भेजे गए थे। पूछताछ में एटीएस को कई सबूत मिले हैं। ऐशबाग से इन चारों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जमात मुजाहिदीन के चार आतंकियों की आज पेशी, एटीएस आतंकियों की फिर से रिमांड मांग सकती है। 14 दिन के रिमांड पर ये चारों आतंकी भेजे गए थे। भोपाल के ऐशबाग से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। राजधानी भोपाल के ही ऐशबाग में ये लोग छिपकर बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। बताया जाता है कि काफी समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन अब 14 दिन की रिमांड के बाद फिर से एटीएस रिमांड मांग सकती है और कई सबूत एटीएस को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पे हासिल हुए हैं। इसके बाद इस रिमांड को एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकती है एटीएस। 2:30 बजे चारों की पेशी एटीएस कराएगी कोर्ट में। जमात मुजाहिदीन के चारों आतंकी बताए जा रहे हैं, बांग्लादेशी आतंकियों की आज रिमांड खत्म होगी, लेकिन दोबारा से एटीएस रिमांड मांग सकती है। संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी के लिए। रिजवान, एटीएस की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी, क्या कुछ आशंका की क्या इन्हें रिमांड मिलेगी, और अब तक जो सबूतों की बात की जा रही है क्या कोई अहम जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 14 दिन का रिमांड जो है हो चुका है। इस वक्त जो चार आतंकी पकड़ाए थे, जिसमें से 3 बांग्लादेश के और 1 बिहार का रहने वाला था। खासतौर से भोपाल एटीएस ने इनको जो है बैठाया था देर रात। अब जो है इनका 14 दिन का रिमांड पूरा हो चुका है। इस बीच जो है पुलिस ने जो एटीएस पुलिस ने जो पूछताछ की है, कई सबूत जो है पुलिस को इनके पास से मिले हैं। कई जो लैपटॉप है, जो मोबाइल इनसे जब्त किए थे, उसमें से कई सुराग जो मिले हैं। अब फिर एक बार एटीएस पुलिस जो है इनसे रिमांड मांग सकती है, और जो एटीएस पुलिस से जो पूछताछ करी है उसमें कई जो है कई जो गंभीर सवाल वो उठ कर आ रहा है। पुलिस का यही कहना है अब आगे भी रिमांड मांग सकते हैं और पूछताछ इसमें कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए।